हाय गाइस, आज हम पास्ट इनडेफिनेट टेंस को समझेंगे। पहचान है आ ए ई ता था ती थी ते थे। अगर ये शब्द आपको लास्ट में दिखाई देते तो आप ये समझ जाने पास्ट इनडेफिनेट टेंस है। तो जैसे आप देखो, वह कल मेरे घर आया। आ की आवाज़ है, आया, पास्ट की बात हो रही है। तो इसका भी हम रूल बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसके इंग्लिश बनाते हैं। सब्जेक्ट पहले क्या है? ही। आना, कम केम कम। ही केम, कब आया? कल। ही केम पहले कहाँ आया ये देखो। ही केम टू माई होम, कब आया? यस्टरडे को। ठीक है, तो नेगेटिव में बनाते हैं। वह कल मेरे घर नहीं आया। अब रूल इसका, सब्जेक्ट फिर डिड लग जाता है, देन नॉट, डिड सबके साथ में आएगा। अब वर्ब की पहली फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? ही, फिर ही डिड लगेगा, ही डिड नॉट। देन वर्ब क्या? आना, कम। ही डिड नॉट कम टू माई होम यस्टरडे डे। अब एक इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं। क्या वह कल मेरे घर आया? देन क्वेश्चन मार्क। अब इसी का रूल लिखते हैं। रूल पहला है डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। पहले डिड आ जाएगा, डिड ही सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली फॉर्म कम, देन कम टू माई होम, और कब? यस्टरडे, कल। यस्टरडे का मतलब कल होता है। देन क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आया होगा पास्ट इनडेफिनेट टेंस क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।